प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और हमारी खसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान करीम, रहमतों का बरकतों का ये महीना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद करें, उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा है। नेकियों का चूँकि महीना कहा जाता है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा समेट लें, इसमें जितनी नेकियाँ समेटी जा सकती हैं। और ग्यारहवां ज़ाहिर है, जिस तरह ताजर इंतज़ार किया करते हैं ख़ास मौके का कि जनाब ये मौका आएगा और उसके बाद हम यहाँ बहुत ज़्यादा मुनाफा समेटेंगे, इस तरह मुसलमान जो है नेकियाँ समेटने के लिए इस माह मुकद्दस का ख़ास तौर पर ख्याल किया जाता है। इसमें ज़ाहिर कुरान मजीद फुरकान हमीद का नज़ूल भी हुआ, इसी में वो रात भी है जिसके बारे में कहा जाता है लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। रमज़ान बेसिक मसला जलना कहते हैं, रमज़ान का मतलब जलना, यानी कि इसमें गुनाह आपके जला दिए जाते हैं। इसका रोज़े से संबंध समझ लीजिए, इसका ताल्लुक समझ लीजिए। और बड़ी अहम बात यह भी है कि अरब में रोज़ा जब आया है, उससे पहले जो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कब भी जब जो अरब में रोज़ा था, वो रोज़ा तो था लेकिन उस ज़माने में तो ये दस्तूर था कि वो घोड़ों को रोज़ा रख पाया करते थे। और उसकी वजह ये बयान की जाती है तारीख़ में कि चूँकि घोड़े और ऊँट ज़ाहिर पालने का शौक़ था, ये सवारी थी और ऊँट के तो पाँव भी आपने देखा बहुत चौड़े होते हैं, तो लेकिन तेज़ रफ्तारी में और बर्क रफ्तारी पे ताकत के एतबार से तो घोड़ा बहुत ख़ास था। और चूंकि अरब जो कबाइल थे वो सारे जंजू कबाइल थे, वो ख़ास तौर पर एक दूसरे पर हमला करना, माल गनीमत छीनना और ये सब कुछ हुआ करता था, यही उनके गुजर बसर की औकात भी ये थी। तो उस ज़माने में कहा जाता है जी अपने घोड़ों को इसलिए रोज़ा रखवाया करते थे, लू बहुत आ चला करती, गर्मी बहुत आज भी होती है वहाँ पर, तो उनकी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए उनसे रोज़ा वो रखवाते थे, ख़ुद नहीं रखते थे। तो रोज़े का ये तसव्वुर था, लेकिन 2 हिजरी में 10 शाबान को फिर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए और अल्लाह ताला ने ये इनाम दिया मुसलमानों को कि रोज़े रखने के बाद ईद का जो दिन आता है, 3 दिन हम ईद बनाते हैं, तो इनाम के तौर पर है। उससे पहले आशूरा का एक रोज़ा था, फिर 2 कर दिए गए ताकि तमीज़ रहे दोनों में, उनसे हट कर मुसलमान नज़र आए, फिर 3 रोज़े कर दिए गए और फिर जब ये आयत मुबारक नाजिल हो गई तो फिर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए। इस पर हमने बहुत गुफ्तगू की है, आइंदा प्रोग्रामों में भी ज़रूर हम करेंगे। रमज़ान मुबारक के अल्लाह ताला हम सबको इसके रहमतों से और इसके मग़फ़रत, ख़ास तौर पर आप बात करते ना, इस वक्त जो अशरा चल रहा है मग़फ़रत का, तो जिस तरह भी मौलाना मिस्कीन नक्शबंदी साहब फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला बहाने ढूंढता है लोगों को माफ़ करने के, और हमें सबको चाहिए कि इसका सही हक अदा करें। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का रोज़े रखें, रोज़ों का भी सही हक अदा हो। इस तरह ख़ास तौर पर जितनी भी इबादत हम करते हैं, चाहे वो नमाज़ें हों हमारी, चाहे वो तलावत कुरान मजीद हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, नवाफिल का अहतमाम बहुत ज़्यादा करें। इस तरह से फितर तरावी है, तरावी का भी पाजमात अहतमाम हो तो क्या ही अच्छी बात है। और ये वो बाबरकत महीना है, अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों की मगफरत फरमाए। और यहीं पर गुफ्तगू का हम सिलसिला रोकेंगे, और क्योंकि अब प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ करता है, कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे ट्रांसमिशन के साथ, और उसमें भी मुख्तलिफ मौज़ूआत, और फिर जईदुल मकराम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जाने से पहले हमारे साथ सना खां अशरफ अली कादरी मौजूद हैं, हम मुल्तमिस हैं अशरफ अली कादरी के नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रोग्राम का इख्तिताम भी हो। या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। तेरा वस्फ बया हो कैसे, तेरा वस्फ बया हो कैसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई, तेरा वस्फ बया हो कैसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई,
इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है। जिब्रील अमी की रसाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। ये रंगे बहारे गुलशन, ये रंगे बहारे गुलशन, ये गुल और गुल का जो बन, ये गुल और गुल का जो बन, तेरे नूर कदम का धोबन, तेरे नूर कदम का धोबन, इस धोबन की रानाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम।